दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ हरियाणा की मशहूर डांसर और सिंगर सपना चौधरी की, जो हरियाणा में तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही साथ आसपास के राज्यों में भी उनके लाखों फैंस हैं। सपना ने अपना करियर एक लोकल ऑर्केस्ट्रा शो में गायिका के तौर पर शुरू किया और उनका मुख्य उद्देश्य पैसे कमाना था, क्योंकि सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया और तब घर की पूरी जिम्मेदारी उन पर आ गई थी। दोस्तों भले ही बहुत सारे लोगों के दिमाग में सपना की छवि एक डांसर तक सीमित हो गई, लेकिन जिन परिस्थितियों से गुजरकर उन्होंने अपने आप को संभाला है वो काबिले तारीफ है, और हमें भी उनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अपनी प्यारी सी अदाओं से हम सबके मन को मोह लेने वाली सपना की लाइफ को हम शुरू से जानते हैं। सपना का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक में हुआ था। उनके पिता एक प्राइवेट कंपनी में किसी छोटे पद पर काम करते थे और इसीलिए घर की आर्थिक हालत शुरू से ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद सपना अपने माता पिता और छोटे भाई बहनों के साथ बहुत खुश थी और सिंगिंग का शौक तो उन्हें बचपन से ही था। लेकिन जब वह 12 साल की हुई तब दुर्भाग्य से उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु के बाद घर की आर्थिक हालत पूरी तरह से डगमगा गई, जिसके बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी सपना के कंधों पर आ गई। दोस्तों सपना को अपना घर चलाने के लिए अब मजबूरन कुछ ना कुछ करना था, इसीलिए उन्होंने एक लोकल के ऑर्केस्ट्रा ग्रुप को ज्वाइन कर उसमें गाना गाने का काम शुरू कर दिया और अलग अलग जगहों पर जाकर परफॉर्म करने लगी। जल्द ही ऑर्केस्ट्रा शो के जरिए उनकी जादुई आवाज लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई और वह धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगी। लेकिन सपना को असली सफलता तब मिली जब उन्होंने खुद का पहला गाना सॉलिड बॉडी गाया और खुद ही उस गाने पर डांस भी की। दोस्तों सॉलिड बॉडी गाने ने सपना की जिंदगी ही बदल दी। लोगों से इस गाने को बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला और यह सॉन्ग कुछ इस तरह से वायरल हुआ कि सपना देखते ही देखते एक हरियाणवी स्टार बन गई। दोस्तों आज के समय में इस गाने को यूट्यूब पर करीब 1,61,00,000 बार देखा जा चुका है। सॉलिड बॉडी सॉन्ग की सफलता के बाद सपना ने हरियाणवी स्टाइल में ही करीब 15 और गाने निकाले और उनमें से भी बहुत सारे गाने सुपरहिट हो गए। आजकल सपना के गाने दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा और यूपी के कई जिलों में बेहद ही लोकप्रिय हैं। दोस्तों सपना चौधरी भले ही छोटे छोटे मंचों पर परफॉर्म करती हैं, लेकिन उनके नाम पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। सपना के लोकप्रियता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पानीपत में एक सरकारी कार्यक्रम में मंत्री जी ने जब बोलना शुरू किया तो केवल 2 मिनट में ही लोगों ने मंत्री जी को चुप करा दिया और सपना को सुनने की मांग करने लगे। दोस्तों 12 साल की उम्र में पिता को खोने वाली सपना चौधरी ने अपने संघर्ष के दम पर अपने परिवार को पाला और सिंगिंग और डांसिंग को न सिर्फ अपना करियर बनाया बल्कि इसे एक अलग पहचान दी। दोस्तों सपना चौधरी ने अपनी दमदार प्रतिभा से जो नाम कमाया है वो सच में काबिले तारीफ है। अंत में बस मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। अगर किसी काम को आप एक अच्छी सोच रखते हुए सच्चे दिल से करते हैं तो उसमें सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करके आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।